कुल 43 उद्यमी और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं में वितरित किए गए लगभग 3 करोड़ के ऋण। आइए वीडियो में संपूर्ण जानकारी बताते हैं आपको क्या अपडेट आई हुई है और क्या क्या जानकारियां हैं। तो वीडियो को पूरा देखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की पहल पर स्टेट बैंक की ओर से कबीर चौरा मगहर में ऋण वितरण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 43 उद्यमियों में 3.46 करोड़ के ऋण बांटे गए। इसमें मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री खाद्य उन्नयन योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना और अन्य योजना के तहत उद्यमियों को ऋण के स्वीकृति पत्र और चेक दिया गया। स्टेट बैंक के बैंक मुख्य महाप्रबंधक सरस चांडक ने कहा कि संत कबीर नगर में औद्योगिक और व्यवसायिक गतिविधियों को बढ़ाने में स्टेट बैंक महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं में उद्यमियों को ऋण दिलाने में पूरी मदद की जाएगी। क्षेत्रीय प्रबंधक आलोक यादव ने कहा कि वर्तमान सरकार स्वरोजगार को बढ़ाने के लिए मुद्रा लोन योजना दे रही है, जिसमें बेरोजगार युवक छोटे छोटे व्यवसाय करके स्वावलंबी बन सकते हैं। इस ऋण मेले में 43 लाभार्थियों में 3.46 करोड़ का ऋण वितरण किया गया, जिसमें स्वयं सहायता समूह, शिक्षा ऋण, लघु उद्योग एवं मुद्रा योजना के लाभार्थी शामिल हैं। उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष अरविंद पाठक ने कहा कि प्रधानमंत्री ने मुद्रा लोन स्मॉल इंडस्ट्रीज को लगाने की योजना चलाई है, जिसके माध्यम से अधिक लोगों को रोजगार मिल सके। उन्होंने कहा जिले के औद्योगिक विकास का खाका खींचा जा चुका है और आने वाले दिनों में एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत होजरी उद्योग से बड़े उद्यमियों के लिए मेगा ऋण शिविर का आयोजन किया जाएगा, यानी कि जिसे एक उत्पाद एक मतलब कि एक उत्पाद एक जिला योजना का शुभारंभ सरकार ने किया था। ये योजना अभी भी चल रही है, ठीक है। हर एक जिले का एक अपना उत्पाद है। तो ये जो संत कबीर नगर की अपडेट है, तो संत कबीर नगर में यहाँ पर बताया गया है कि होजरी का उत्पाद यहाँ पर मतलब पूरे जिले के लिए मशहूर होगा। तो होजरी का उद्योग से जुड़े उद्यमियों के लिए मेगा ऋण शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसके माध्यम से होजरी कारोबारियों को आसानी से ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इस दौरान लीड बैंक अधिकारी दिवाकर पांडे आदि लोग उपस्थित रहेगा। भी तो इस प्रकार की जो ऋण का वितरण किया गया है वो स्टेट बैंक द्वारा किया गया है, और जिसमें समूह की महिलाएं अपने उद्यम को शुरू करेंगी और भी बहुत सारे उद्यमियों को इस ऋण का वितरण किया गया है। इसके बारे में मैंने वीडियो में आपको बताया, ये अपडेट जो है संत कबीर नगर की थी। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।